22 अगस्त को जिलाधिकारी के समकक्ष ब्लॉक प्रमुख के चुनाव कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की अगुवाई में कुछ सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख रमेश प्रताप सिंह के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के लिए सिफारिश की थी। बाद में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने पुनः मतदान कराए जाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर सितंबर महीने में ही मोहर लगा दी थी। रमेश प्रताप सिंह 1.5 साल पहले प्रमुखी के चुनाव में जीत दर्ज कर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा दिया। फिलहाल जो भी हो, लालगंज के सियासत में एक बार फिर से गर्मा गई है। अब देखना यह है कि कांग्रेस के गढ़ में क्या भाजपा अपनी साख जमा पाती है, या फिर कांग्रेस के गढ़ में भाजपा भेद करने में सफल होगी। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन होगा लालगंज ब्लॉक का प्रधान। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने जीत के दावे जरूर कर रहे हैं। क्या आपको पूरा विश्वास है कि आप जो है अपना विश्वास में हासिल कर ले जाएंगे? बिल्कुल, हमको अपने बीडीसी पे पूरा भरोसा है और सारे बीडीसी पे भरोसा है कि वो हमारे साथ जो है सब हमारे समर्थन में है, हमारे साथ जो है पूरी तरह से वो डट के हैं हमारे साथ। क्या लगता है कि कांग्रेस के गढ़ में एक बार फिर से बीजेपी का झंडा फहराएगा, या कांग्रेस के ही गढ़ में फिर से एक बार कांग्रेस की विजय होगी? कांग्रेस की विजय होगी, ये सब अफवाहें हैं, यहाँ जो है कांग्रेस का ही परचम लहरा है। ठीक, धन्यवाद सर। लालगंज में आज ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव होने वाले हैं, उसका नामांकन है आज। क्या लगता है आपको कांग्रेस के गढ़ में आप एक बार फिर से भेद लगा करके अपना झंडा फहराएंगे, या कांग्रेस फिर से अपना वहां रसूख कायम करने में कामयाब होगी? नहीं, भाजपा जो है, भाजपा पार्टी के उम्मीदवार हैं, भाजपा पार्टी पूरे देश में राज कर रही, तो हम डीडीसीओ से निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि रामपुर खास में लोकतंत्र की रक्षा के लिए डीडीसी पुनः उसी तरह निर्भीक होकर मुझे चुनेंगे और जैसे चुने थे। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो है जनता को कि आपसे अपेक्षाएं जो जनता को है, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश साथ सबका विकास तो है ही है, यहाँ पर हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए, यहाँ लोकतंत्र ही नहीं रक्षित है, लोकतंत्र पे ही खतरा है। यहाँ रामपुर खास में वैधानिक पद से चुने हुए प्रत्याशियों को हटा दिया जाता है, यहाँ गुंडागर्दी खत्म करने के लिए हमें चाहेंगे यहाँ के बीडीसी, समस्त बीडीसी जो है फिर एक बार निर्भीक होकर मुझे वोट दें, और तब बीडीसीओं का सम्मान बना रहेगा। किसी विधायक और नेता से कहने पर यहाँ के बीडीसी काम नहीं मिलेगा, स्वयं बीडीसी अपने में प्रमुख होंगे।